नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जारी गाइडलाइंस के आलोक में सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इन दिनों टिकटार्थियों ने चहेते दलों के नेताओं का गणेश परिक्रमा करना शुरू कर दिया है। बिहार में बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थिति के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी जरूरी भी है और मजबूरी भी। इस बीच दलों ने संभावना व्यक्त की है कि वे लोक चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है ताकि फिलहाल इसे टाला जा सके। खबरों के मुताबिक संभावना यह है कि 20 सितंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा, जो 3 चरणों में हो सकता है। अटकलें तेज हो गई हैं। राज्य में कोरोना जांच में तेजी का असर है कि पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। इस बीच सब्जी, फल, मीट, मछली कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सुबह 6 से 10 तक व्यापार करने की इजाजत दी गई है। सब्जी मंडी से जुड़े कामों पर प्रशासन की नजर तेज हो गई है। अब सब्जी बेचने वालों की कोरोना जांच पर ध्यान दिया जा रहा है। पेशागत आंकड़ों में सब्जी बेचने वाले, ड्राइवर, बिजली मैकेनिक की संख्या 3% है। मौसम का मिजाज भी पल पल बदल रहा है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने की है। अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान में कई क्षेत्रों में बारिश होने का ऐलान कर दिया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह मामले की तफ्तीश में लगी सीबीआई को अपने व्यस्तम दिनचर्या से गुजरना पड़ रहा है। इधर जांच में भी तेजी आ गई है। खबरों के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि पुलिसिया दबाव के कारण जल्दबाजी में जांच की गई है। मृत अभिनेता की गर्दन पर 33 सेंटीमीटर के गहरे निशान मिले थे। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि उद्यान योजना के लिए किसानों को 90% तक सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। फल, सब्जी, फूल के लिए अभी सरकार बढ़ावा दे रही है। बेहतर विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न थानों के 79 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है। इसमें जिला स्तर पर भी बदली की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आयोग के स्तर पर यदि तैयारी की जा रही है तो वहीं सत्ता और विपक्ष के बीच भी धींगा मुश्ती जारी है। राजद कोटे से सांसद मनोज झा ने कहा है कि चुनाव में शामिल होने वाले सभी मतदाताओं का बीमा हो, साथ ही संक्रमित होने पर सभी का इलाज सरकारी खर्चों पर किया जाना चाहिए। इधर जदयू ने कहा है कि बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।